so good. Oh! हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज की हमारी मूवी एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें हम 5 कहानियों को समझेंगे। सभी कहानियों को एक होस्ट कर रहा होगा और अलग अलग कैरेक्टर्स सभी स्टोरी पर हमें अलग अलग सीख देंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉरर लैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। पहली कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि बर्ट और उसकी वाइफ नोरा अपने घर पर अपने दोस्तों के लिए एक गेम नाइट रखती है। सभी वहाँ पर गेम्स खेलकर और डांस करके पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर बर्ट के दोस्त ये कह रहे थे कि दैट्स व्हाट शी सेड। बर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि ये शी कौन है और वो इसके बारे में अपने दोस्तों से पूछ रहा था, लेकिन उसके दोस्त तो उल्टा उसी की बात से शॉक्ड थे कि बर्ट को शी कौन है ये नहीं पता। अब पार्टी खत्म होने तक बर्ट शी कौन है इस बात से कंफ्यूज था और रात को वो इंटरनेट पर भी शी को सर्च करता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ जानकारी नहीं मिलती है। अब अगले दिन मॉर्निंग वॉक करते टाइम शी कौन है ये बात सोच सोच कर बट रास्ते की हर लड़की को घूर घूर कर देख रहा था और शी कौन है इस बारे में सोचकर बट ने अपनी हालत बहुत खराब कर ली थी। नोरा आकर देखती है तो घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था और जब नोरा कहती है कि दैट्स व्हाट शी सेड और इसे सुनकर बट गुस्सा होकर नोरा पर चिल्लाने लगता है। यहाँ तक कि वो नोरा के हाथ बेसिन के होल के अंदर डालने वाला था, लेकिन तभी डोर पर उनके फ्रेंड्स पार्टी के लिए आते हैं जिनको देखकर बर्ट रुक जाता है। पार्टी में सभी तो एंजॉय कर रहे थे लेकिन बर्ट बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। बर्ट उठकर एक लड़की का मास्क पहनकर लड़की बन जाता है और सभी दोस्त और नोरा बर्ट के इस बिहेवियर से हैरान थे और इसके बाद में नोरा 911 पर कॉल कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस और हॉस्पिटल के लोग बर्ट को बांध कर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में ले जा रहे थे और एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल के दो स्टाफ बोलते हैं दैट्स व्हाट शी सेड, जिसे सुनकर बट का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है और पहली कहानी यहीं पर एंड होती है। दूसरी कहानी शुरू होती है एडना से, जो कि अपनी लाइफ में बहुत अकेली थी और उसको हमेशा से ही यह चाहत थी कि उसके पास भी कोई बॉयफ्रेंड हो जो कि उसके साथ में हर समय रहे। एडना के सभी दोस्तों के भी बॉयफ्रेंड्स हैं और एडना के दोस्त लूसी और एलिस जब भी उसे मिलती थी तो वे अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में ही बातें किया करती थी, जिस वजह से एडना को और भी ज्यादा अकेला महसूस होता है। अब एक दिन थक हार कर अकेलेपन में एडना ब्रिज से कूद कर अपनी जान देने जाती है। तभी उसे किनारे में कुछ दिखता है। एडना उस चीज के पास जाती है और उस बैग को पानी से बाहर निकालती है। बैग खुलने पर वो देखती है कि उसके अंदर एक मर्द की डेड बॉडी है, जिसे देखकर एडना मुस्कुरा देती है। एडना उस लाश को अपने घर में लेकर आती है और उस लाश को रिकी नाम देती है। उस लाश के साथ में वो बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करती है और वो उस लाश के साथ में खाना खाना, टीवी देखना, डांस करना, रोमांस करना, यहाँ तक कि वो उसके साथ में बातें भी किया करती थी। एडना ने उस लाश को अपना आइडियल मैन मान लिया था। उसे ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था जो कि ज्यादा बातें ना करे और बस उसी की सुने। उसको वैसा ही बॉयफ्रेंड मिला। एडना के लिए वो लाश भले जिंदा नहीं हो, लेकिन एडना अपने अकेलेपन को दूर रखने के लिए उसे जिंदा रख रही थी। फिर अगले दिन एडना उसी लाश को लेकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। लूसी और एलिस को एडना बताती है कि वो लाश ही उसका बॉयफ्रेंड है और उस लाश को देखकर लूसी और एलिस बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। एलिस नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश कर रही थी और साथ ही वो एडना के बॉयफ्रेंड से बात करने का नाटक भी कर रही थी। एडना का तो यही कहना था कि उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मीला है और इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। तभी उस लाश का सर नीचे गिरने वाला था, जिसे देखकर लूसी और एलिस को बहुत ही घिन आती है। लूसी एडना को समझाती है कि वो बस एक लाश है और अकेलेपन की वजह से उसके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है, तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। एडना को ऐसा लगता है कि उसके दोस्त उसके पास बॉयफ्रेंड होने से खुश नहीं है और इसीलिए वो नाराज होकर उस लाश को वहां से लेकर चली जाती है। अब रात को एडना उस लाश के साथ में बातें कर रही थी कि उनको अगले दिन बीच पर जाना चाहिए, लेकिन बाद में एडना बीच पर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। रात को एडना को एक आइडिया आता है और वो उस लाश को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहां पर वो एक सॉल्यूशन बनाकर उस लाश के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिस वजह से कुछ ही टाइम में वो लाश फिर से जिंदा हो जाती है और ये देखकर एडना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब एडना के पास में एक जिंदा बॉयफ्रेंड था और लड़का बताता है कि उसका नाम साइडर है और अब से एडना को
उसे साइडर ही बुलाना पड़ेगा। साइडर को जो रिकी नाम दिया था वो अब से उसे नहीं बुला पाएगी। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर एडना को पता लगता है कि दोनों की खाने की पसंद भी अलग अलग है और साइडर की बातें भी एडना समझ नहीं पाती थी। साइडर अपने पसंद के गाने और डांस कर रहा था और एडना को अब साइडर की बातें बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगी थी और वो एक चाकू लेकर साइडर के गले को काट देती है। अब अगले दिन लाश को बैग में भरकर एडना उसे पानी में फेंक देती है और अब एडना को अपनी खुशी के लिए किसी की भी जरूरत नहीं थी। दूसरी कहानी यहीं पर खत्म होती है और तीसरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। हम देखते हैं कि ल्यूक, क्रिस और जिमी ये तीन दोस्त रात को एक स्टोर को लूटने के लिए जाते हैं और वहाँ पर गन दिखाकर लोगों को डराकर सामान लूट रहे थे। फिर कहानी एक महीने पहले आती है जहाँ पर तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि क्रिस को पसंद आ गई थी, लेकिन वो अपने दोस्तों के कहने पर भी उससे बातें नहीं कर पाता है क्योंकि बचपन में उसके साथ में एक हादसा हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रात को क्रिस के फ्रेंड्स उसे डराने लगते हैं, लेकिन उससे क्रिस नहीं डरता है। अब प्रेजेंट टाइम में क्रिस इस लूट से डर रहा था और उसके फ्रेंड्स एक के बाद एक कस्टमर को मार रहे थे। क्रिस उनको ये सब करने से मना कर रहा था और तभी वहाँ पर पुलिस आती है। वो सभी वहीं पर छुप जाते हैं और ये सब ल्यूक और जिमी ने क्रिस के डर का सामने करने के लिए किया था। पुलिस ने तब तक उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी और ल्यूक और जिमी भी पुलिस पर गोली चलाते हैं जिसमें ल्यूक जख्मी हो जाता है और तीसरी कहानी यहीं पर एंड होती है। चौथी कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी और जगह पर एक डिलीवरी मैन विकी को उसी के स्टोर के बाहर एक पार्सल दिखता है। वहाँ पर जो एड्रेस था उसी पर विकी उस पार्सल को उस एड्रेस तक ले जाता है। वो देखता है कि वो एक अजीब तरीके का घर था जहाँ पर विकी अंदर घुसकर रिसीवर का साइन लेने के लिए जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो कि एक टाइमर के सामने बैठा हुआ था। वो टाइमर 100 पर रुक जाएगा और विकी को देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है। उसके मुताबिक वो भी विकी है जो कि फ्यूचर से आया है और उनके टाइम को एक साथ मिलने के लिए उनको एक दूसरे के डीएनए को मिलाना पड़ेगा। डीएनए के लिए वो बाल नहीं लेना चाहता था, उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाकर वैसे डीएनए लेना था, नहीं तो एक एस्ट्रॉइड उनकी धरती पर गिरकर उनको तबाह कर देगा। विकी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है, पर उस बूढ़े आदमी के हाथ पर वैसा ही निशान था जैसा कि विकी के हाथ में था। अब विकी की गाड़ी खराब हो चुकी थी तो वापस भी नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो उसी बूढ़े आदमी के साथ में अपना कुछ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करता है। विकी किसी भी हालत में उस बूढ़े आदमी के साथ में इंटीमेट नहीं होना चाहता था और बूढ़ा आदमी विकी को वो पार्सल खोलने को कहता है जिसके अंदर विकी के बचपन की ड्राइंग्स थी और उसे देखने के बाद में विकी को ये यकीन हो जाता है कि वो बूढ़ा आदमी ही उसका फ्यूचर है और वो उसके साथ में इंटीमेट हो जाता है और इन सबसे उसको बहुत ही ज्यादा घिन आती है। विकी जब जाने के लिए निकल रहा था तो वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जहाँ से एक पिज्जा डिलीवरी मैन आकर रुकता है और घर के अंदर वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ पर लगा हुआ वो झूठा निशान हटाता है और वो टाइमर को फिर से शुरू कर देता है और इस बार आए पिज्जा डिलीवरी बॉय को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ में ये चौथी कहानी भी खत्म हो जाती है। अब पांचवी कहानी शुरू होती है टोनी, टेडी, लकी और जोली से। सभी माफिया दोस्त थे और सभी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी टेडी मजाक में कहता है कि उसे टोनी की माँ पसंद है, जिसे सुनकर सभी अजीब फील करते हैं। टोनी भी टेडी से पूछता है कि क्या वो उसकी माँ के साथ में इंटीमेट होना चाहता है और ये सुनकर टेडी कुछ नहीं कहता है। टेडी की बोलती बंद देखकर टोनी उस पर हंसता है और वहाँ से निकलता है, लेकिन बाहर आते ही टोनी के एक्सप्रेशन बदल गए थे और तभी वे सब टोनी के पास आकर उसे मारकर कार के अंदर डाल देते हैं और उसी के घर उसे लेकर आते हैं। टोनी के घर पर उसके बीमार फादर थे जो कि खुद से चल भी नहीं पाते थे और तभी वहाँ पर टोनी की माँ आती है जो कि टेडी, लकी और जोली का वेलकम करती है। टोनी अपनी माँ से कहता है कि टेडी उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता है और यह सुनकर टेडी वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन लूसी और जोली उसे रोक लेते हैं। टोनी की माँ टेडी को अपने रूम में अपने पास में बुलाती है और टेडी भी उनके पास में जाता है और टोनी की माँ के साथ में वो इंटीमेट होता है और बाकी सभी के साथ में टोनी के फादर भी उनको इंटीमेट होता हुआ देख रहे थे और उनके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, मामा। ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है और अगली कहानी शुरू होती है जिसमें सैम और एशली अपनी ब्लाइंड डेट पर जाते हैं। दोनों की डेट अभी तक ठीक ही जा रही थी और खाने के बाद में एशली सैम को एक पाउडर देती है और बिना कुछ सोचे समझे सैम उस पाउडर को ड्रग की तरह सूंघ लेता है और तब जाकर एशली उसे बताती है कि वो पाउडर असल में उसके मरे हुए पिता की राख है। ये सुनकर सैम कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वो अपनी डेट को कंटिन्यू करता है,
लेकिन फिर भी अब सैम को यकीन हो गया था कि ये लड़की अच्छी लड़की नहीं है और वो एक पागल है, और इसीलिए सैम वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। अब अगले दिन सैम का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका था, और यहाँ तक कि उसके बाल भी अब झड़ रहे थे और उसकी आंखें भी अब काली पड़ गई थी। अब उसी टाइम एक टीनेजर भी सैम को चिढ़ाकर कार में चला जाता है, और सैम उस टीनेजर का पीछा करता है। एक जगह पर वो कार रुकती है, और तब वो टीनेजर कार से बाहर आते हैं और सैम का मजाक बनाकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं। सैम कार से बाहर आता है, लेकिन वो खुद के पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से वो सैम की और भी ज्यादा हंसी उड़ाते हैं। सैम फौरन एशली के घर पर जाता है, और उसे पता था कि एशली की वजह से ही उसके साथ में कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब तक सैम के सर के सारे बाल झड़ चुके थे, और तो और उसकी आवाज भी किसी बूढ़े आदमी की तरह हो चुकी थी। एशली के घर पर उसके फादर की फोटो लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल सैम के जैसे ही दिखते थे, और वहीं पर एशली एक छोटी लड़की की तरह रेडी होकर बैठी हुई थी। और अब तो सैम भी एशली के फादर की ही तरह बातें कर रहा था, और एशली भी उसकी हर बात मान रही थी। कुछ देर के बाद में सैम वहां से आकर भागने की सोचता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है। एशली को पीछे आता देखकर सैम बेसमेंट में जाता है, जहां पर बहुत सारे आदमी थे जो कि सैम को देखकर डैडी कह रहे थे, और सैम भी पूरी तरीके से बदलकर एशली के फादर के रूप में ढल जाता है। और इसी के साथ में ये पूरी मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों, इन छह कहानियों में कोई ना कोई सीख छुपी हुई है। पहली कहानी हमको बताती है कि किसी की भी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो हमारी लाइफ पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। अगर बट शी कौन है ये दूसरों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, तो उसकी लाइफ नॉर्मली चलती रहती। दूसरी कहानी, एडना भी लास्ट में समझ ही गई थी कि खुद को खुशी देने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं है। एडना अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा अकेली थी कि लोग उसके इस अकेलेपन का इतना ज्यादा मजाक बनाते थे कि वो एक लाश को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी मजबूर हो गई थी, जिसका उसे कोई भी होश नहीं था। तीसरी कहानी में हमने देखा कि दोस्ती इम्पोर्टेंट होती है, और किसी दोस्त का डर निकालने के लिए या उसका भला करने के लिए कुछ बहुत ही गलत कदम उठाना अच्छी बात नहीं है। क्रिस का डर निकालने के लिए ल्यूक और जिमी ने किसी स्टोर को लूटना और मारना पीटना शुरू किया, जो कि बहुत ही गलत है, जिस वजह से ल्यूक की जान पुलिस के हाथों चली गई। चौथी कहानी में हमने देखा कि झूठी मुसीबतों का बहाना बनाकर कोई भी किसी का फायदा उठा सकता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपना दिमाग ऐसी बातों पर कितना यूज करते हैं। वो बूढ़ा आदमी झूठी कहानियां सुनाकर वहां पर आए किसी भी लड़के के साथ में इंटीमेट होता था, और वे सभी भी उसकी बातों में फंस जाते थे। पांचवी कहानी में हमने देखा कि मजाक मस्ती भी टाइम और लोगों को देखकर करनी चाहिए, नहीं तो वही मजाक एक दिन हमारी लाइफ को मजाक बना सकता है। टेडी ने मजाक में बोल तो दिया था कि वो टोनी की माँ के साथ में इंटीमेट होना चाहता है, और वो इंटीमेट हो भी गया, लेकिन टोनी के फादर के बिहेवियर से हम जान पाते हैं कि इंटीमेट होने के बाद टेडी के लिए एक बड़ी मुसीबत वेट कर रही थी। छठी और आखिरी कहानी में हमने देखा कि किसी अनजान की दी हुई किसी भी चीज को नहीं खाना चाहिए। मस्ती मस्ती में सैम वो पाउडर खा तो गया, लेकिन उस पाउडर को खिलाकर एशली ने सैम के अंदर एशली ने अपने मरे हुए पिता को फिर से जिंदा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी छह कहानियां, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।